बैंड कॉल सुपर्बिया. तो उस सब के शुरू होने से पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बाबा ब्लैक शीप, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस राइम, कितने लोग को आता है? कौन था ये नहीं आता है वाला? कहाँ पढ़ा है ये, कौन है? अच्छा नहीं आता है, ऐसे था वो. सो बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? मतलब सो व्हाट वी विल डू इज टॉकिंग अबाउट दिस अमेजिंग ट्रेलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर फर्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड, वी विल शो यू द वीडियो सॉन्ग. सो हो जाए, कैन वी हैव द ट्रेलर ऑन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन? तो क्या करें, गाने ही चला दें पहले? ये बहुत भावुक आवाजें आ रही है, सियारों जैसी आवाज, बट बहुत सही है ब्रो. मुझे लग रहा है जंगल बुक अंगल बुक कुछ कर रहे हैं हम लोग यहाँ. ओ चालू रॉक स्टार्स हो आप सर. ट्रेन थी कहाँ थी ऐसी ट्रेन? जो भी है, सो शुड वी गो अहेड विद द म्यूजिक वीडियो गाइस, या मैं यहां पे अपने रॉक स्टार्स को बुला लूं ऑलरेडी स्टेज पे? So, बुला लेता हूं यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मुझे पता लगा मुझे ये होस्ट करना, मैंने कहा मनीष पॉल इज इन द हाउस. लेडीज एंड जेंटलमैन, उनके आगे कौन टिक सकता है? गिव इट अप फॉर मनीष पॉल. आ जाओ आप. इन्होंने बड़े लोगों की टांग खींची है स्टेज पे, हैं? सर बचाना मेरे भाई आप. हाँ, अब गिव इट अप फॉर मनीष पॉल. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम मनीष. इफ यू हैड टू डू दिस, यू नो मैं तो मतलब कर गया कमाल. इफ यू हैड टू डू दिस वेलकम एवरीवन, क्या होता? अरे वाह, दूसरा माइक भी है. हेलो. हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. नहीं एक्चुअली मुझे अभी अनुपम सर ने बोला है, होस्ट की तरह नहीं हीरो की तरह बात करना. थैंक यू सो मच सर. सर मुझे फिल्म में ये बताते रहे हैं, बट हाँ अगर मैं होस्टिंग करता तो मैं ऐसे ही करता जैसे आप कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा कम कर पाता, बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड. एक बार मेरे दोस्त के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. कमिंग फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच मनीष. सर अच्छा था ना? बट फर्स्टली थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए हैं. यस, हमारी फिल्म बाबा ब्लैक शीप रिलीजिंग ऑन द 23rd मार्च, एंड इट्स अ कॉमिक थ्रिलर. सो आई होप जैसे लोगों ने ट्रेलर इन्जॉय किया उसी तरह लोग फिल्म भी इन्जॉय करेंगे. एंड टुडे वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज आज आप लोगों के सामने हम लोग अपने गाने जो हैं फिल्म के वो लॉन्च करने जा रहे हैं. So just waiting for that. I hope we quickly play that and pehle wo dikha dete. Yes. Let's take a look at the trailer. Matlab ye log wait kar rahe the Manish bhai upar aaye tab nariyal phodoge. Izzat hi nahi kar rahe. Nariyal phodna mere sar pe mat phodna mere bhai. Ha? Main udhar hi aa jata hu tumhare sath hai na. Main chahunga aap virajman ho jaye niche, main aapko superstar ki tarah wapas se bulaunga abhi. Aap please acche se bulana, maine bahut logo ko bahut pyar se bulaya stage pe. Thank you so much. That's Manish Paul for you ladies and gentlemen. Zordar taaliyan for this very talented person. And now it's time for that video song जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. We good to go? हैं? ऐसे ठेंगा मत दिखाना, thumbs up होगा ये. हाँ चलो हो जाए तो let's take a look at the song ladies and gentlemen on the big. इनकी love life में रुकावट के लिए खेर रहे हो गया ladies and gentlemen after that wonderful video song. Please put your hands together for industry के एक stalwart जिनकी acting के तब से लेके अब तक हर कोई कर रहा है गुणगान, and यही है industry के असली शेर. Give it up for Anupam Kher ladies and gentlemen, come on. खेर साहब आ जाइए, प्लीज पधारिए. उनके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी वर्सेटाइल, द अमेजिंग मनीष पॉल, उनके लिए भी तालियां. द वेरी गॉर्जियसली टैलेंटेड हमारी जो एक्ट्रेस हैं भैया मंजरी फर्नेस, उनके लिए तालियां हो जाए. एंड ऑफकोर्स अनदर स्टॉलवर्ट, किस्सा गोई भी बड़े कमाल की करते हैं, अनु कपूर साहब. सर वेलकम, गुड टू सी यू. अनु कपूर साहब के लिए भी जोरदार सर ड्रिंक लेके आ जाओ आप तो बस. लुकिंग डैपर एकदम, हैट शैट ऑल्सो. The captain of the ship, ladies and gentlemen, let me tell you, आप सब लोग आए हैं, आप लोग की patience के लिए धन्यवाद, आप लोग के प्यार के लिए, support के लिए. वैसे एक इंसान शुरू से लेके अब तक इस पूरे event को अपनी निगरानी में कर रहे थे, the captain of the ship, Mr. Vishwas Pandya, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the gentleman. Of course, Mikka Paji was supposed to be here and he will be here. Lekin usse pehle, yahan pe Superbia, the superb trio, ladies and gentlemen, Shan Sahab, Gaurav, and of course, jo unke teesre bhai sahab hain, Rushin, tino ke liye zordar taaliyan ho jaye yahan pe. They've composed some amazing music. Not to forget the producers of the movie, ladies and gentlemen. Please put your hands together for yahan pe jo humare rock stars aaye hue hain. Come on. Anand Swaroop Agarwal ji, ladies and gentlemen. From Swaroop Production, Mr. Krishna Datla, if he is here, there he is. Yes, of course, Agatsya film se, and from Soham Rockstar, Mukut Saab nahi aa paaye unfortunately. Lekin we have Mr. Shailendra Mandora hamare saath. Unke liye zordar taaliyan ho jayen. Yes, you have to come up on stage, please. The amazing, amazing crew.
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एंड यू नो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन लेट मी कंग्रेचुलेट यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट. दिस इज जस्ट अमेजिंग. दिस लुक्स वंडरफुल. सो है ना, वील हैव अ क्विक फोटो ऑप, देन वील टेक द इवनिंग फॉरवर्ड. या मैं यहाँ पे सर आपसे और अनु सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे पहले. एंड अच्छा ये मैं अपना लेके आया हूँ भाई, अपना लेके घूमते तुम कौन दो. एनीवे इसलिए हम सबको बोलने का इतना शौक है माइक अपने पर रखे. नहीं प्रोडक्शन ने प्रोवाइड किया भाई. सर सबसे पहले मुझे बताएं ये पार्टी एंथम ऑफ द ईयर होने वाला है, ये तो हमने देख लिया, यू ट्वीटेड अबाउट इट कि कितना मजा आपको आया. आप लोग के टाइम पे मतलब थोड़ा सा पहले 5-10 साल पहले पब्स वगैरह में सर जाते थे, कैसा माहौल हुआ करता था, थोड़ा बताओ आप दोनों. मुझे तो पता नहीं मतलब 5-10 साल पहले वाली क्या बात है, आज की बात करते हैं ना. हमने तो अभी शुरुआत की है करियर की बेटा. नो आई थिंक इट्स दिस इज अ स्पेशल ओकेजन फॉर मी फॉर 2-3 रीजंस. वन इज दैट विश्वास यूज्ड टू वर्क विद मी इन माय ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, 4-5 ईयर्स. हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी का बहुत रीढ़ की हड्डी का काम किया था इन्होंने, 5-6 साल काम किया था हमारे साथ. And so this is a very special occasion to see him finally directing a film. Iska script bahut hi mazedar hai, very funny, and he's very easy going person. He's inko ye bhi tension ho rahi thi pichlo, maine inko milne gaya inko David Dhawan ji ke niche inka office hai, David Dhawan sahab ke office ke niche. To inka ye reaction tha, maine kaha yaar acha ho tere ko 6 million views mil gaye gaane ko. Kehta ha sir. मैंने कहा तो परेशान क्यों हो रहा है. नहीं सर. कैसे हो गया तो, ऐसा क्यों हुआ है, तो खुश होना चाहिए. सो वेरी गुड. सुपर. एंड दिस गाय इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग यंग फेलोज, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल गाइज, पॉजिटिव, हम्बल, बट ही हैज टू गेट आउट ऑफ फॉर दिस फिल्म आउट ऑफ द मोड ऑफ होस्ट टू अ हीरो. पूरी फिल्म में इसको मैं यही बोलता रहा कि कैजुअल काम मत कर. उसने बहुत अच्छा काम किया. इज वेरी गुड. आई विश दिस फिल्म मंजरी. ऑफ कोर्स आई वर्क विद यू एंड अनु जी तो स्टालवर्ट हैं. ये स्टालवर्ट ही एक वाइन का गिलास लेकर स्टेज पे चढ़ सकता है दोस्तों. एंड वंडरफुल प्रोड्यूसर शान ऑफ कोर्स. सो दिस इज अ बंच ऑफ ग्रेट ह्यूमन बींग्स अपार्ट फ्रॉम a very entertaining film that they have made. This is what is the achievement of this film, that we had a great time, and this was also my first film after weight loss, and he's the star of the evening. Whoa! Give it up for Mikka Paji! Ye sabko bol ke ki 7 baje pahunch jana khud matlab inhone. So another great human being. So this is one film which I deliberately also, because there were two roles, one of that man jo sweater bunta rehta hai और दूसरा थोड़ा एक्शन का था, तो मैंने विश्वास आपके लिए पेट लूज किया था. yes, ये तो आपको पता है. थैंक यू सो मच. एंड आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस फिल्म को. इसी यू पीपल आर रियली, आई एम श्योर एवरी इवेंट पे मैंने शायद बोला होगा, मगर इसमें बहुत जरूरत है दोस्तों, प्लीज इसको कुछ करवा देना. थैंक यू सो अनु जी. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर अनु कपूर. बड़ी देर से अपने साथ में लेके घूम रहे हो अपन लोग. एक हाथ में ग्लास था तो माइक. आपका अंदाज़ बयां कुछ और है. नहीं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो 2-3 महीने बेशक सीनियर हैं, लेकिन सीनियर हैं अपने तो मैं पैर छूता हूँ. मैं NSD में मेरे सीनियर हैं. विश्वास भाई बहुत ही प्यारे डायरेक्टर हैं. मैंने कहा ना, बहुत ही हम्बल, विनम्र, फॉल्स नहीं. कुछ लोग बहुत फॉल्स होते हैं उनकी ह्यूमिलिटी. मनीष बिल्कुल ऐसा नहीं है. मंजरी से पहली बार मुलाकात हुई. हमारे प्रोड्यूसर साहब के बारे में कह सकते, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, सही टाइम पे पैसे देते. प्रोड्यूसर तो वही अच्छा है ना भाई. प्रोड्यूसर वही अच्छा है जो खरा आपने काम किया. मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी जो दे दे वही बढ़िया प्रोड्यूसर है. सीधे सिंपल, जोरदार ताली. हम तो गरीब आदमी है ना, आप समझे, हम तो सिंटा वाले हैं. असल में सिंटा वाले हम हैं. वो बड़े बड़े स्टार हैं, उनका सिंटा से कोई मतलब नहीं है. असल में सिंटा का हमारे से मतलब है भाई. हमारे शान भाई हैं, इतने बड़े सिंगर हैं,
और इनके लिए भी ये फिल्म आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये फिल्म में इतना खूबसूरत म्यूज़िक दिया है, यहाँ से ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है ना. और हम सब ने अपना प्लान बी रखा हुआ है, और विश्वास भाई ने भी प्लान बी रखा हुआ है. नहीं 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 ठीक है ना, डायरेक्शन चले बहुत अच्छी तरह चले, लेकिन गोट फार्मिंग के ऊपर भी, फिश फार्मिंग के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 250 करोड़ रुपए है, सब्सिडी है 30%, नो टैक्स. बी प्लान, प्लान बी जरूर रखिएगा. और बस वही वाली बात है, हंसते खेलते हुए बस, जैसे आप 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 बातों के ऊपर हंस रहे, खिल खिला रहे, यही तो है ना. ऐसे ही आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस फिल्म के लिए रहे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, कि जनता जब हमारे फिल्म को देख के निकले तो ऐसे ही मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई निकले, तो भैया पैसा वसूल हो जाएगा. अब मतलब सलमान खान और ऋतिक रोशन ने ठेका नहीं रखा है कि 100 करोड़ हो, हम गरीब भी कुछ कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप समझे. और भैया उनको जरूरत नहीं है, हमें बहुत जरूरत है यार पैसों की, आप समझे, हमें बहुत जरूरत है. मैं सच कह रहा हूं आपको सर, मेरे पास केवल 4 गाड़ियां हैं, मुझे रोल्स रॉयस नहीं है, चाहिए भैया. ये 4 गाड़ियां बोल के सत्यानाश कर दिया आपने. अभी तक सब कुछ बातों में यकीन हो रहा था आपका. हा? ये थीम है बाबा ब्लैकशिप का. नहीं नहीं सीरियसली, यहाँ से भी हमने कमीशन पे सस्ते में करवाया होगा, इधर भी हार्ड रॉक कैफे से भी. मैं तो अपने पनीर टिक्का भी घर से लाया. हमने वो कुर्सियां भी नहीं लगाई सफेद सफेद जिसपे वो घूमते रहते हैं, है ना, सफेद सफेद कुर्सियां. हम ऐसे लाइन में खड़े जैसे 50 साल पहले होते थे. But the film has a great heart, which is going to touch your heart. That's what is important. Thank you so much, sir. खेड़ साहब दूर 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 जाते जा रहे थे सर, मतलब ये चलता तो नीचे ही होता है. मयान में एक ही तलवार रह सकती है. क्या बात है, क्या बात है. सर ये मेरे भाई है, इनके लिए मैं मैदान छोड़ने को भागने को तैयार. क्या बात कर रहा है, मैदान छोड़ के भाग जाओ. अच्छा सर, मैदान छोड़ने की बात है, वो दोनों छोड़ नहीं रहे थे, डटे हुए थे, मिक्का पाजी और मनीष भाई. आप आए और लिया और साइड से चले गए. सर व्हाट इज दिस, आई वाज सरप्राइज्ड. I was surprised when Vishwas told me कि एंड में आप, in fact मैं, मेरा प्रॉब्लम था, मुझे कहीं जान दिल्ली जाना था, तो उन्होंने कहा आप 1 घंटे के लिए आ जाइए. अच्छा, बट फिर मैं काफ़ी देर रहा आपके साथ. बट मीका जी आपने क्या डांस किया सर इसमें, वो जो आपने मूवमेंट किया, आई थिंक इट्स देयर डे नाउ, दे शुड टॉक, मीका शुड टॉक. यस ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. मेरा भाई मीका इतना हम्बल, इतना प्यारा आदमी है, इतना बढ़िया डांस करता है कि लगता है मीका का टैलेंट ऐसा है, इतना बढ़िया डांस करता है, ऐसा लग रहा है बरसों ऑल इंडिया रेडियो पर डांस करता रहा. मीका पाजी, जी जी जी, हमने देखा वीडियो सॉन्ग, बिल्कुल कड़ी टक्कर दे रहे हैं मनीष को, जो कि हु इज अ सुपर्ब डांसर एंड सुपर्ब एक्टर. व्हाट डू यू हैव टू से, लेकिन लास्ट में हाथ नहीं, अभी तो मनीष ही सबको टक्कर दे रहा है. सिंगर बन गया यार, पहले होस्ट था, फिर सबकी जगह ले रहा है, फिर कॉमेडी करने लग गया. तो मेरा छोटा भाई है, तो आई एम श्योर के अनु जी और अनुपम जी के वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्यार, दक्षिणा, बख्शीश मिली होगी. मैं तो बिल्कुल पूरा ही फ्री में हूँ भाई. ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये एक्चुअली ऑफिशियली मेरे साथ दो हादसे हुए. एक हादसा, पहले शान भाई का फ़ोन आता है कि भाई वो म्यूज़िक डायरेक्टर बन रहे हैं. अब डेफिनेटली मेरे बड़े भाई हैं एंड ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड गाय, और पहली बार म्यूज़िक कर रहे हैं और मुझे मौका मिल रहा है इनके लिए गाना गाने का. तो फिर मैं वहाँ भी शर्म कर गया कि चलो मुझे नहीं पैसा लेना चाहिए. फिर ऊपर से मैंने देखा कि मनीष आ रहा है मेरा भाई दूसरा, तो मैं समझ गया अब तो बिल्कुल चांस नहीं है. फिर दूसरा गाना मुझे लगा चलो फिर अभी कुछ करेंगे, प्यार देंगे, दक्षिणा देंगे, चलो कुछ भी यार, चलो 50,000 ही सही. वो भी नहीं, उल्टा मैंने आज दुबई जाना था, तो फिर इनका रिक्वेस्ट था कि आज ही हमने करना है सारा कुछ. तो मैं, जैसे अनुपम जी दिल्ली जा रहे थे, मैं दुबई, मेरा कल शो है इसलिए मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ अपने शो को, तो एटलीस्ट वहां से मैं कवर कर लूंगा. बट माई बेस्ट विशेस टू माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम सिंगर. मत बनना भाई, थोड़ा सा हमारा ध्यान रख ले. तीन शो मैंने कर दिए हैं. हाँ, साइन कर दी, तीन शो नहीं करेंगे, चिंता मत करो, हम पंजाबी भुगतान करेंगे, करेंगे. यार आपने वहां से बैठे बैठे ऐसा बम मारा मेरे पे, बात इधर चल रही थी. नहीं ठीक है सर, पाजी के लिए तो कभी भी नहीं. बट ये बहुत, जब ये मैंने गाना सुना था तो गाना बड़ा ओके काइंड था, लेकिन जब मैंने ये गाना गाया तो इतना अच्छा हो गया, और उसके बाद मनीष पे भी सूट कर रहा है ये गाना. बट मनीष मेरा भाई, मनीष भाई सच्ची में,
बहुत ही टैलेंटेड है, दिल्ली से है, बहुत प्यार हम करते हैं और इसके लिए जान भी हाजिर है। ये 50 बार ही मुझे बुलाएगा मैं तब भी देर ले आऊंगा। आई लव यू पाजी, आई लव यू वेरी मच। पर ये बात है, मैंने पाजी को एक बार कहा था, मैंने कहा पाजी मेरी फिल्म है गाना गाना, कहते हीरो कौन है, मैंने कहा मैं हूं, कहते बस बात खत्म हो गई। और ना सिर्फ इन्होंने गाना गाया, उसके बाद मैंने बेशर्म की तरह दूसरी बार फिर फोन किया, एक गाना फ्री में गवा लिया, उसके बाद मैंने कहा पाजी अब उसमें डांस भी करना है, कहते अच्छा साथ में तू भी है, मैंने कहा हाँ जी पाजी, ओके बात खत्म हो गई। तो मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मीका पाजी वी नो ही इज़ नॉट ओनली मीका, ही इज़ किंग मीका सिंह, एंड आई थिंक एक हिट मशीन है, कोई भी फिल्म में कोई भी गाना गाए वो सुपर डुपर हिट होना ही है, साथ में फिल्म को जो है आपके स्टार्स मिल जाते हैं और फिल्म बहुत अच्छी हो जाती है। पाजी लव यू सो मच। बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ दो लेजेंड्स हैं, वन ऑफ माई फेवरेट अनुपम जी ऑलवेज, एंड अनु जी आई लव यू अगेन। आज आप सिंगर भी हो, आप तो मेरे ऑलराउंडर हो, सो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेहरबानी। और आपकी बहुत खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ खड़े हो। ये तो आना ही था पीछे से, पता था मुझे। मंजरी, बिफोर यू वी स्पीक, आई हैव टू से दिस टू मीका, दैट मीका ने बड़े अच्छे ग्लासेस पहने थे, आपने ना सिर्फ पैसे लिए हैं बल्कि मेरे को आपके ग्लासेस अच्छे लगे थे, आपने अपने बॉय को कहा वो नए ग्लासेस लेकर और आपने मुझे प्रेजेंट किए, तो दिस इज अमेजिंग, थैंक यू। जट दा दिल है, एनु कहते जट दा दिल। प्लीज मंजरी, या या प्लीज प्लीज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अब मतलब इतनी सारी कहानियां हमने सुन ली है, यही सवाल है। सो द वे यू सॉ राइट नाउ ऑन स्टेज व्हाट वाज हैपनिंग, मैं इतनी कभी जिंदगी में इतनी किसी शूटिंग पे हंसी नहीं हूं। आई हैव जस्ट हैड सच अ ग्रेट टाइम शूटिंग, थैंक यू विश्वास, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस फिल्म, एंड इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोना लव इट, सो Please guys help us make this film a super hit. Manish bhai, ek sawal aapke liye on a thoda sa serious note, you know you have been with all the actors. Sir, main serious sawal puch sakta hu sir? Jab serious sawal puchne se pehle bolo serious note, to wo serious ho hi nahi sakta. Nahi, main aapko dekh ke muskura gaya sir. To Manish please mere ko bole stalwarts ke sath kaam kar rahe hain, and as a serious actor Anupam sir ne bola aur unke samne to matlab paseene chhoot jate hain logon ke. How was it? How was the experience as a serious actor, as an actor? यार बहुत अच्छा था, इनफैक्ट मेरे लिए मोर देन एनीथिंग इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे बहुत सारे सीन अनुपम सर के साथ हैं, बिकॉज मैं सर का बेटा प्ले कर रहा हूँ, अन्नू कपूर सर के साथ बहुत सारे सीन हैं, तो मज़े की बात ये थी मुझे मोर देन एनीथिंग सीखने को बहुत मिला। जैसे कि सर ने एक्चुअली कितनी बार मुझे बोला, मैं कुछ करता था ना मस्ती, कहते आ जा बैठ जा, फिर बैठ के बताते थे कि देख अब ऐसा है कि ये सीन जो है ना इतनी सीरियसली होना चाहिए, यहाँ पे अपनी कॉमिक टाइमिंग डाल, ये कर। तो आई थिंक मुझे इतना सीखने को मिला, सो आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम। बाद में अन्नू कपूर सर के साथ बैठ के इतने कमाल के किस्से सुनने को मिले, एंड सर की आपने अभी ऑन स्टेज टाइमिंग देखी, ये फिल्म में भी ऐसे ही चलती थी, सो हम लोग खूब इंजॉय करते हुए जाते थे। एंड मेरे डायरेक्टर विश्वास पांड्या, आई थिंक सर ने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट किया, ध्यान दिया, एंड आई थिंक 3-4 महीने पहले से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि अच्छा बस अब होस्टिंग के बारे में नहीं सोच, एक्टिंग के बारे में सोच, और हर चीज पे उतना ध्यान दिया। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी वर्किंग इन दिस फिल्म। सुपर्ब सुपर्ब। यहाँ पे विश्वास सर आपके पास आ रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पे आनंद स्वरूप अग्रवाल जी से एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, ये जो पूरी जर्नी रही सर इस अमेजिंग टीम के साथ, ये सफर कैसा रहा, अगर इस सफरनामे को कुछ यहाँ पे आपने सबको बताना हो। नमस्कार, जैसे अभी सबने बताया जी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि पिक्चर इतने अच्छे एटमोसफेयर में बनेगी। क्या कहना, क्या सबका क्या कोऑपरेशन। मैं फैमिली इंटरटेनर बनाना चाह रहा था, कृष्णा जी मुझे मिल गए और मेरा सपना पूरा हो गया, और मैं आपके साथ कहता हूँ कि इससे बढ़िया टीम मुझे मिल नहीं सकती। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। शैलेंद्र बात जरूर याद रखना सर, ये पिक्चर सक्सेसफुल होगी तो दूसरी टीम ना ढूंढना। ये मेरा वायदा, ये मेरा वायदा, ये वायदा, ये तो होगा कह रहे सर। स्वरूप प्रोडक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगत्या फिल्म्स, एंड ऑफ कोर्स सोहम रॉकस्टार की तरफ से थैंक यू। या शैलेंद्र जी, आई वुड वांट यू टू शेयर समथिंग हमारे साथ, योर एसोसिएशन विद दिस फिल्म ऑफ कोर्स, ऐसे कैसे प्लीज। वेल गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल सोहम रॉकस्टार हैज रिसेंटली डिलीवर्ड सनम तेरी कसम, एंड अभी शादी में जरूर आना भी आपने देखा होगा, सो वी हैड ऑलवेज बीन लाइक यू नो लुकिंग आफ्टर एंड डिलीवरिंग द क्वालिटी कंटेंट टू द ऑडियंस, so this is also one of them. I'm sure like you know you're going to enjoy the quirky comedy what Vishwas has delivered or Anand Swarup ji ne jo produce kiya hai, so hope for the best and we are expecting Baba Blackship will have your blessings. thank you so much Shailendra ji. Yahan pe coming to Chand sahab and of course superb, ya superb you guys are, aur 2013 mein I think yahan was the first time you guys had performed Hard Rock mein, hai na, main yaad hai homework kiya maine apna, so please tell us about the music of this film. That's superb, yeah. That's Roshan, Karav, myself, और हम लोग वेरी थैंकफुल टू विश्वास, हमारे ऊपर इतना विश्वास उन्होंने दिखाया कि आजकल म्यूज़िक
को बनाना आसान होता है, बेचना मुश्किल हो जाता है. तो हमेशा ढूंढते रहते कोई ऐसे नाम, ऐसे लोग जिनसे बिक जाए चीज़ बनने से पहले. तो ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन आई थिंक एट द म्यूज़िक की बलबूती पर अगर बिकी तो ये अच्छी बात है. और विश्वास वेरी इजी टू वर्क विद. हम लोग ने मज़ा ये था कि ये था नहीं कि गाने तैयार हैं, चलो इसमें ये गाना फिट कर देते हैं, ये गाना वहाँ डाल देते हैं. इट इज़ मेड टू द स्क्रिप्ट, मेड टू द सिचुएशंस, मेड टू द सीन्स. तो बहुत ही मज़ा आया. इट वॉज अ क्रिएटिव प्रोसेस, मेरे लिए बहुत नया था. लेकिन गौरव रोशन, इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में ऑलरेडी म्यूज़िक किए थे, तो उनकी एक्सपीरियंस थी, तो उनके साथ मैं भी थोड़ा जुड़ गया. और एंड इट्स ऑल साउंडिंग फैंटास्टिक. आप बहुत जल्द बाकी के गाने भी देखेंगे, सुनेंगे, जो हमारे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं. तो आप होपफुली यू विल एंजॉय इट लॉट वंस अगेन. लाइक मेकअप आजी, मेरे बहुत ही प्यारे सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर, वी हैव सम वंडरफुल वंडरफुल सपन, जिन्होंने भी बहुत प्यारा गाना गाया है. महालक्ष्मी इज हियर विद अस. लेट कॉल महालक्ष्मी. प्लीज प्लीज महालक्ष्मी अय्यर. आई वुड आप इतनी बड़ी कलाकार हैं, आइए आइए. फाइनेस्ट वॉइसेस दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. और साथ साथ एक बहुत ही नए लेकिन बहुत ही होनहार सुनील सिल्विया, जिन्होंने गाने लिखे हैं. जोरदार तालियां महालक्ष्मी के लिए. महालक्ष्मी अय्यर, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मिका और महालक्ष्मी का जो ड्यूएट गाना है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द सीजन. और मिका से रोमांटिक गाने लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं करते इसके बाद, मुझे लगता है कि वैसे भी सारे पार्टी नंबर्स तो गा ही रहे हैं पाजी, अभी रोमांटिक गाने भी ये गाने लगेंगे. ये पता नहीं मैंने ये क्यों कमाल कर दिया, लेकिन चलिए अच्छी बात है. बट इट्स गोना बी वंडरफुल. सुनील हैज़ रिटन द सॉन्ग, सुनील सिल्वैया. और सपन अगर आप भी आ जाए, सपन ने रामलीला पर एक नया ट्विस्ट दिया है, जिस पर विच इज़ अ ट्रेनिंग सॉन्ग जो आपने ट्रेन किया, उस पर सपन की एक अलग टोनैलिटी है. और अगर इजाज़त हो, हमारे जो सॉन्ग मिक्स जिन्होंने किया है सिंस इट्स अ म्यूजिक रिलीज, कोहिनूर आप भी आ जाइए. नाम ही इनका कोहिनूर है. तो सपन जी ने एक गाना गाया है रामलीला, बहुत मज़ेदार. एंड दैट्स कोहिनूर हु इज़ मिक्स्ड ऑल द सॉन्ग्स, मास्टर्ड ऑल द सॉन्ग्स इन वन डे. गौरव, good evening everyone. It's been amazing working on this film, and Vishwas I think is one of the best directors that we've worked in the longest time. Thank you for having faith in us. And Shan, nothing to say, he's the perfect human being and the perfect elder brother anyone can have, besides being such a great artist. And Roshan here is one of the best music producers we have in the country, and we've been working together for a long time. Mika Baji, thank you, love you so much for all the great things you've done for us. Lot of love to Manish and the entire team, and Mahalakshmi, Kohinoor, Sapan and everyone else involved. We are really looking forward to this soundtrack, and after a long time there's a soundtrack where all the songs are done by Superbia. You know, it's just not one song. Wow. which is amazing, and we are very very proud of this album, and we need your love. Thank you so much. Superb, thank you so much. And we have this dhamakedar performance after this, the grand finale. Lekin usse pehle captain of the ship sir, ek kadam aage aa jao aap. सबने इतना विश्वास किया आपके ऊपर, है ना. अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल कुछ दो हमको, कितना परेशान किया इस पूरी कास्ट ने. इनको पकड़ लो, ये बेहोश होकर गिर भी सकते हैं खुशी. सही बात है. हेलो, पहले तो मैं थैंकफुल हूँ प्रोड्यूसर्स का, बिकॉज दे स्टार्टेड आउट विद मी, कृष्णा डाटला एंड आनंद स्वरूप अग्रवाल, जिनके बगैर ये फिल्म बनी नहीं सकती थी. और फिर उसके बाद अनुपम जी, ऑर्डर में नाम ले रहा हूँ मैं, अनुपम जी आए, फिर अनु जी जुड़े, फिर मनीष, फिर मंजरी, और फाइनली के मेनन, जो कि एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं यहाँ पर इस फिल्म में. और सब ने इतना फैंटास्टिक काम किया है, और मुझे इजी गोइंग कह रहे हैं, लेकिन सब के सब इतने इजी गोइंग हैं कि मुझे बड़ा मज़ा आया ये फिल्म बनाते हुए. एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड द म्यूज़िक इज़ फैंटास्टिक. शान, गौरव एंड रोशन हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. शान हैज़ ऑल्सो संग अ ट्रैक फॉर अस, which is in the trailer, which is the title track. And besides that, he has given the music with Gaurav and Roshan. And Sonu Nigam, who's been a friend and fantastic, just like Mika Paji, he's worked for free. actually, Mika Paji ne video bhi free kar liya tha. But actually, it's not our... करेक्ट करेक्ट. मिका पाजी देखो, उनके पैर की सर्जरी चल रही थी, नहीं तो वो भी वीडियो में होते. यस 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 करेक्ट. भाई की टिकट आगे करके आए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड बाकी ग्रेटफुल टू सोहम रॉकस्टार फॉर रिलीजिंग द फिल्म एंड जॉइनिंग अस इन द एंड. एंड थैंक यू एवरीबॉडी.
थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. जाते जाते सर, मतलब वीडियो लॉन्च किया हमने, मैं कहता आप लोग थोड़ा स्टेप्स वगैरह हम लोग करें, लेकिन मिक्का पाजी आए हैं तो सर थोड़ा सा तो बनता है. अरे मिक्का पाजी बहुत बढ़िया पाजी आपका, स्टेप्स भी और गाना भी पड़ेगा सर, है ना. थैंक यू सो मच. दोनों लेजेंड्स का डांस देखना चाहूंगा मेरे साथ. नहीं पाजी नाल रहने दो ना दोनों यार. बिफोर वी रैप अप वी हैव दिस धमाकेदार परफॉर्मेंस एंड आफ्टर दिस द ग्रैंड फिनाले. सुपर्ब या कुछ सुपर्ब करने वाला है हम सब के लिए. ये जो गाना है ये पहले भी गाना रिलीज हुआ है, इसका हमने रीमेक किया है. तो जो ओरिजिनल सिंगर है बहुत अच्छे हैं, हरभजन मान जी, वो बहुत अच्छा गाते हैं. तो हमने ये रिक्रिएट करा है. हाँ जी भाजी फोटो. Thank you so much. Thank you, Manish. Thank you. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome. Welcome. Superbia. सर ऐसे गाली गलौज नहीं करनी सर. क्या क्या बोल जा रहे हो आप मजे मजे में. विद द एक्टर्स प्लीज, वील जस्ट हैव अ कपल ऑफ सोलो पिक्चर्स. ओनली एक्टर्स एंड मिक्का बाजी यू टू. ऐसे कैसे, रुक जाओ आप. क्या बोल रहे हो सर आप. Yeah, can we have the chairs now, please? Come. Natasha, you there? They'd like to click a couple of solo pictures. Come. Run with your heels. You'll have to step on the stage, please. Natasha, oh, you'll have to come up. Thank you so much, Natasha. Thank you so much. And now, kiska? Mika Paju kithe hai? Jai. Give it up for Roshan, Gaurav and Shan Saab on stage. Aaj aapne dhamakedar gana suna dekha aur baaki jo gaane hain aap dheere dheere sunenge. Har saptah koi naya gana hoga. Let's call Roshan also on stage. Join us. Lekin hum log aapko thoda sa ek acoustic
He's not interested. एक सिर्फ ऑन गिटार थोड़ा थोड़ा आपको गाने सुनाएंगे. ऑफ कोर्स ये गाने मेरी आवाज़ पे नहीं है लेकिन फिर भी I just complimented Vishwas bhai on the writing and he said there's another gentleman jinke saath unhone ye likha hai, so he would Mr. Sanjeev Puri, please come up on stage. Nitin just complimented me on the writing on the film and been the backbone of the film. So, thank you. Thank you. Thank you. And now it's over to Superbia, ladies and gentlemen. Come on, zordar taaliyan ho jaye for this amazing band over here. Come on, zordar taaliyan. Wow, I love you, sir. My man Roshan, over there. You got to be here. After all, you are the part of Superbia. Roshan, you can give it to Arushina. हम लोग इस साउंड ट्रैक में ट्राई कर रहे थे कि जैसे मीका बाजी से हम लोग रोमांटिक गाना गवाया, सोनू बहुत ही रेसी सालसा ट्रैक किया, मैंने कुछ एक अजीब सा एक फोक पैटर्न में गाने की कोशिश की. इट्स अ फनी क्वॉकी सॉन्ग, तो उसी से शुरू करते हैं. टाइटल ट्रैक ऑफ द सॉन्ग. ओके, अच्छा, तो गाने आप उसी उसके प्रॉपर म्यूजिक के साथ आप जरूर सुनेंगे, लेकिन चूंकि हम सब यह हैं, खोली भी है कल, तो थोड़ा सा लाइव म्यूजिक करते हैं आपके लिए. थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, लिटिल बिट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स, तो हो जाए. या रोशन ऑन द गिटार्स, गौरव प्लेइंग एक्यूस्टिक. बाबा बाबा मेरे बाबा, बाबा बाबा भोले बाबा. शीप छोड़ना अपनी वुल, बाबा 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 ब्लैक शीप छोड़ना अपनी वुल. आज पार्टी करते हैं बोल पटियाला या फुल. बाबा बाबा ब्लैक शीप छोड़ना अपनी वुल. आज पार्टी करते हैं बोल पटियाला या फुल. You are so cool about baba baba black sheep, you make me drool. Baba 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 black sheep, you are so cool. Baba baba baba, oh baba baba black sheep, chhodna apni wool. Aaj party karte hain bol patiyala ya full. गाने पर हमारे हीरो मनीष पॉल की नजर थी, बोल रहे मैं भी गाऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स ही हैड अ वंडरफुल मीका सिंगिंग दिस वन फॉर यू. तो आप ऑफ कोर्स बहुत जल्द इस गाने को आप ओरिजिनल आवाज में सुनेंगे. बट फॉर नाउ अब झड़के ना जा कुड़िए को तू मेरे बजा, दिल तेरे बिन सूना लगदा, दिल बचा के रह जा. अरे आ जाइए, हमें बताकर गए थे कि मैं दुबई जा रहा हूं, आ नहीं पाऊंगा, तो हम तैयार करके बैठ गए इसको. अब खैर के ना जा कुड़िए को तू मेरे बजा, दिल तेरे बिन सूना लगदा, दिल बचा के रह जा. तेरे दर्शन ना होवे, दर्शन हो गए भैया, रा दिल बिच आके बह जाओ. मैनू तकदा रवा जद तू आवे, दिल सदा एवें छड़ के ना जा कुड़िए को तू मेरे बह जा, दिल तेरे बिन सूना लगता, दिल विच आके बह जा. जे तेरे दर्शन ना होवे रोवन मेरी अखा, रांझा तेरा दर्दी होया दर्द न किते रखा. तकदा रवा हीर 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 मैनू तकदा रवा. तू पास ना आवे मैनू चैन ना आवे, सुन ले दिल दी
तू सदा विग्रह प्लॉट में कबाब दे। और इस गाने में आपको महालक्ष्मी ने बहुत ही आप ओरिजिनल सुनेंगे नवीन बैल एक और मजेदार गाना है। इस गाने में 12 साल से लेकर 25 साल तक किस तरह से अफेयर चला और फिर 25 साल में लड़के ने प्रपोज किया, ये पूरी बातें हैं इसमें। सुनील सिल्वा ने लिखा है, बहुत प्यारा है, जरा सब लिरिक्स देख लेना। हाँ, सॉन्ग संग बाय वन ओनली सोनू निगम एंड इसमें तौफीक करुशी जी ने बहुत कमाल का प्रकाशन किया है। बारह की उम्र में तुम पहली बार दिखी, तेरा कथा आंखों ने बातें की। ओ, 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 14 क्या हुए हम, दिल ने दिल को छुआ, 15 पे आके कुछ कुछ हो गया। ओ, 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 शापा वालूबा शापो पे बापो, ओ मेरी एंजेलिना, शापा वालूबा शापो पे बापो, तुझ सा है कोई कहा। ओ ओ शापा वालूबा शापो पे बापो, ओ मेरी एंजेलिना, शापा वालूबा शापो पे बापो, तुझ सा है कोई कहा। ओ ओ ओ मेरी एंजेलिना, ओ ओ ओ ओ मेरी एंजेलिना, ओ ओ मेरी एंजेलिना, ओ ओ ओ ओ मेरी एंजेलिना। थैंक यू सो मच। हमारे सपन जी का भी बहुत कमाल का गाना है, लेकिन वो इतना अद्भुत गाना है कि लाइव करना मुश्किल होगा, वो आपको सुनना होगा जब सामने आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच सबको। कल के लिए हैप्पी होली। अगर मेघा बाजी थोड़ा सा होली वाला कर दे सबके लिए, पता नहीं कल माहौल, इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे शायद कल होली होना हो, लेकिन आज ही हम होली मना लेते हैं आप सबके साथ। कल होगी, होगी होने, होली तो होगी, होली कब है होली, वो वाली बात हो गई। वैसे सबसे इनके जो फेवरेट कैरेक्टर है सारे फिल्मों में वो है गब्बर का, तो मेरे बाजी एक डायलॉग हो जाए यार, होली की बात हो रही थी। किन मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया है, रंग रसिया रंग रसिया। When you said it, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और लौंगा इलायची का भीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, हाँ भाई लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का भीड़ा लगाया, खावे गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे अरे रंग बरसे भींगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है। मनीष भाई यहाँ पे देखिए क्या 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 हो गया। अनु सर आपको ऊपर आना पड़ेगा, वी आर सेलिब्रेटिंग होली। मंजरी वी कांट डू दिस विदाउट यू, नताशा यू विल हैव टू बी ऑन ऑन स्टेज, अनुपम सर इज स्टिल देयर, सो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, स्वरूप सर है यहाँ पे, मैं उनसे भी चाहूंगा वो ऊपर आए यहाँ पे, सो प्लीज यू विल हैव टू कम अप, दिस लाइक वन मौका दैट वी आर सेलिब्रेटिंग विद द म्यूजिक लॉन्च ऑफ दिस अमेजिंग मूवी बाबा ब्लैक शीप। होली के शुभ अवसर में एक बहुत एक रामलीला का एक अलग ट्विस्ट है जो सफल आपको गाकर सुनाएंगे। There's a song called Ramlila in the film. We'll just give you a little trailer of that. Kumar Sapan has sung this song. Manish, it's in your training montage. Ramlila. Yeah. So let's just share a few lines from it, from Kumar Sapan. Thanks, sir. Gaurav ji, thanks, sir. Agarwal, Roshan ji, thanks. San, sir. Krishna ji. All team, thanks. Please be here.
राम जी से पंगा लेके रावण की मति मारी थी, राम जी से पंगा लेके रावण की मति मारी थी, सीता मैया को हर बैठे उसकी यही बीमारी थी, सीता मैया को हर बैठे उसकी यही बीमारी, जल गई लंका बज गया डंका हो गया रावण ढीला, यही तो रामलीला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल रेंडिशन। यहां पे मनीष भाई अभी बचा के रखे थे, कम ऑन रुकना नहीं है, यू डू दी ऑनर्स। रंग दिया है आपको? बीच का तान। हां सर आ गया वहां। मनीष रंग लगा दे, विश्वास रंग से रंग। अनुपम जी का गाना था ना? अनुपम सर इज देयर आई थिंक। जी जी क्या नहीं नहीं सर कुछ कर रहे हैं, ही विल बी हियर। मनीष भाई वाई इज नताशा सो सूखा सूखा? मनीष हम चाहेंगे होली के दिन पर एक खास होली का गाना आप हमें गाकर सुनाएं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अनु सर ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जी एक होली का कोई क्लासिक वाला कोई ऐसा हो जो मतलब पानी दे देना ठसका नहीं आ जाए। आज ना छोड़ेंगे अनु जी को, वही कह रहा हूँ, वो तो हो चुका है जब तक आप पानी पी रहे हैं। देखिए दोस्तों एक होली स्पेशल हो जाए लेकिन साथ साथ भूलिएगा मत बाबा ब्लैक शीप, मेन तो वही है पानी। सर का वाइन ही दिला दो फिर से। अरे वो कहा है आपका भैया, वो गिटार कौन बजा रहा था? गिटार गिटार ला ना। इससे पहले अनु जी कुछ गाएं मैं चाहूंगा कि एक गाना जो हम सबकी फेवरेट श्रीदेवी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन लेजेंड नेवर डाई वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, तो एक गाना मैं चाहूँगा उनके लिए हम ट्रिब्यूट करें। सो रंग का ही माहौल है। रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल से, अरे रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी मेरी चांदनी, ओए चांदनी तू मेरी चांदनी। थैंक यू सो मच। देखिए सर कि और कौनो महीनवा में बरसे न बरसे न बरसे न बरसे, अरे और कौनो महीनवा महीनवा महीनवा, अरे और कौन महीनवा में बरसे न बरसे न बरसे न बरसे, ए फगुनवा में अंग अंग रस बरसे, 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 होली की बहार आई फरहत की खिली कलियां, होली की बहार आई फरहत की खिली कलियां, बाजों की सदाओं से कूचे भरे और गलियां, दिलबर से कहा हमने तुक छोड़िए रलबलिया, होली में यही धूमे लगती है बहुत भलिया, फगुनवा में अंग अंग रस बरसे, फगुनवा में अंग अंग रस बरसे। बहुत पुराना यूपी का गाना है और क्या बात।